अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पीछे क्योंकि हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है आपने, तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द पीस डेट ऑक्सीडाइज द सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन ले के उसको ऑक्सीडाइज कर दे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। जैसे कि द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस इट सेल्फ बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन। मतलब एक हमने भी ऑक्सीडेशन पढ़ी थी, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। और जो और वो क्या कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि वो जिससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और जो लेने वाला है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इसका दूसरी रिड्यूसिंग एजेंट इज द सीपीसी दैट रिड्यूस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। जो ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन दे के उसको रिड्यूस कर दे, दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर दे, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो सोडियम है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, क्लोरीन को। और क्लोरीन, अब सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा और क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इसको मतलब है कि ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देखो, ऑक्सीडेशन इज लॉस इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन, रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट वही बात, सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, ये आप देखेंगे इसमें से। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, वही सेम चीज़ है, केमिकल रिएक्शन। वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पड़ी थी, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आ जाएंगे कि एक रिएक्शन के दौरान एक जो रिएक्शन होता है हमेशा जो भी रिएक्शन होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। रिडॉक्स मतलब उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी और रिडक्शन भी हो रही, क्योंकि दो सब्सटेंस इन्वॉल्व होंगे, एक जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा क्योंकि डिकम्पोजिशन होनी है। आमतौर पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है जी। एक अगर सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो दूसरा उसको रिसीव करेगा, और ताकि रिसीव करने से जो उसने सब्सटेंस अपने साथ से लॉस किया है उसको वो गेन कर ले। तो इस तरह जो भी रिएक्शन आप देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन खासतौर पर, वो सारे के सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या उनको ओवरऑल जनरली रिडॉक्स रिएक्शन किया जाता है, ये आप इसमें देखेंगे, ठीक है जी। ये डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आपको मेंशन किया गया। आप यहाँ पे देखें H2 है और O है, इसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, जीरो है, और इसके पास भी जीरो है। अब ये क्या करेगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, रिलीज कर देगा, और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देते, ओ हैज़ चेंज फ्रॉम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट टू माइनस टू ऑक्सीजन की। अब इसके पास जो दो हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दोनों दे देगा इसको, ऑक्सीजन को, इसकी वैलेंसी हो जाएगी माइनस टू स्टेट बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो ओ रिड्यूस हो गया और ओ बिहेव एज ऑक्सीजन। अब ओ जब रिड्यूस खुद रिड्यूस हो रहा है तो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो एक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखें, हैज चेंज फ्रॉम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट टू प्लस वन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन की जब ये दे देगा अपना, तो ये जीरो से प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, टू इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बिहेव एज अ, इसलिए हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडाइज होगा और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो बिहेव करेगा, ठीक है जी। इसकी टेस्ट और सैल्फी मैं आज आपको सेंड कर देता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।